जरूर कनेक्ट होगा, इसकी गारंटी दे रहा हूं। मैंने जो फोन आज अरेंज किया है वो मुझे मिला है ओप्पो कंपनी का, मॉडल कौन सा है मुझे पता नहीं, लेकिन जैसा भी हो थोड़ा ऊपर नीचे करके सारे ओप्पो में ऐसे ही कनेक्ट होगा। प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे लोग उस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप नहीं देखते हैं, और फिर जब वो कनेक्ट करने आते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम आती है। जय हिंद दोस्तों, रेनॉल्ट ट्राइवर में एंड्रॉइड ऑटो कैसे कनेक्ट करें, ये हमारे चैनल पे पूछा जाने वाला टॉप 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। इंडिया में रेडमी या शाओमी कह लीजिए उसके यूजर सबसे ज्यादा है, तो मैंने रेडमी या शाओमी पे ऑलरेडी एंड्रॉइड ऑटो कैसे कनेक्ट करें उसका वीडियो दे दिया है। प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे लोग उस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप नहीं देखते हैं, और फिर जब वो कनेक्ट करने आते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो मैंने कमेंट में उन सारे लोगों को कई बार रिक्वेस्ट करके कहा है, और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप रेडमी या फिर शाओमी से कनेक्ट करने जा रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो दे दिया है, सभी कंपनी के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देता जाऊंगा जैसे जैसे रिकॉर्ड करूंगा। आगे बात आती है, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करके कहा है कि ओप्पो, वीवो, पोको, इन सारे कंपनियों के फोन पर भी कैसे कनेक्ट करें उसका वीडियो दे दीजिए। तो बारी बारी से उन सभी कंपनियों के फोन मैंने अरेंज कर लिए हैं, सभी पे वीडियो रिकॉर्ड होगी। मैंने जो फोन आज अरेंज किया है वो मुझे मिला है ओप्पो कंपनी का, मॉडल कौन सा है मुझे पता नहीं, लेकिन जैसा भी हो थोड़ा ऊपर नीचे करके सारे ओप्पो में ऐसे ही कनेक्ट होगा। तो चलिए आपको दिखाता हूं, एक स्क्रीन इसकी रिकॉर्डिंग होगी, दूसरी जहां जरूरत पड़ेगी वो मेरी होगी, और जहां जरूरत पड़ेगी वो ये जो अपना टच स्क्रीन वाला पैनल है, मैं इसकी भी रिकॉर्डिंग साइड बाय साइड लगाते चलूंगा ताकि आप लोगों को कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आप पूरा वीडियो देखिए आराम से और तब जाकर के सेटअप कीजिए। अगर प्रॉब्लम हो तो सेटअप करने टाइम ये वीडियो प्ले करके रखिए, एक एक स्टेप देखिए, और फिर वहां पे वीडियो पॉज करके तब अपने गाड़ी में कनेक्ट कीजिए, जरूर कनेक्ट होगा इसकी गारंटी दे रहा हूं। एक बात और ध्यान दीजिए, रेनॉल्ट की अगर दूसरी गाड़ी जैसे कि काइगर भी अगर आपके पास है तो सेम इसी प्रोसेस से, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम रेनॉल्ट ट्राइवर और काइगर का शेयर किया हुआ है, तो सेम प्रोसेस से आप काइगर या फिर एंड्रॉइड ट्राइवर दोनों का ही कनेक्ट कर सकते हैं ओप्पो के साथ एंड्रॉइड ऑटो। ये देखिए, ये रहा रेनॉल्ट ट्राइवर या फिर काइगर आपके पास जो भी हो उसका डिस्प्ले पैनल, जो कि इस पोजीशन में आता है नॉर्मली जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास वो ओप्पो का फोन जिसमें आज हम लोग इसे एंड्रॉयड ऑटो को इंस्टॉल करने वाले हैं। और मैं एक चीज़ हमेशा आपको गाइड करता हूँ कि आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि फ़ोन के साथ जो ओरिजिनल चार्जर और डाटा केबल आता है ना उसी का यूज़ करना है। चार्जर की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, लेकिन डाटा केबल एकदम ओरिजिनल वाला ही होना चाहिए। अगर आप इधर उधर से या मार्केट से लिया हुआ यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने ही वाली है। तो अगर आप किसी केस में आप इसको लूज कर चुके हैं और एंड्रॉयड ऑटो चलाना ही चाहते हैं अपनी गाड़ी में, तो फिर आपके पास ओप्पो, शाओमी, वीवो, जिसका भी फोन हो, आप उसका ओरिजिनल एडाप्टर उसके सर्विस सेंटर से ही परचेज कीजिए। तो चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले तो इसमें यहां से इसे प्लग करते हैं। मैं एक हाथ से ऑपरेट कर रहा हूं क्योंकि दूसरे हाथ से मुझे वीडियो बनानी है। ये देखिए, इसमें हमने इसका ओरिजिनल एडाप्टर लगा दिया है। अब एकदम देखिए, एक एक स्टेप मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अभी यहां कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है, इसके यूएसबी पोर्ट में इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। इसे भी कनेक्ट करने के लिए ध्यान रखिए कि इसमें जो ये दो होल होते हैं ना, ये देखिए, ये जो दो होल हैं इसे हमें अप साइड में रखना है। देखिए जैसे ही कनेक्ट किया इधर कुछ नहीं आया, लेकिन हमने जैसे ही लगाया हमारे ये वाले फ़ोन में देखिए क्या मैसेज आया, यूज यूएसबी 2। अब यहाँ पे ऑप्शन है चार्ज ओनली, ट्रांसफ़र फाइल और एंड्रॉयड ऑटो, ट्रांसफ़र फोटोज। तो हमें एंड्रॉयड ऑटो में जाना है, हम यहाँ से इसे सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट किए। अब ये बोल रहा है, जैसे ही हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पे आया डू यू वॉन्ट टू लॉन्च एंड्रॉयड ऑटो, हम यहाँ पे करेंगे यस, ये कर दिया। अब यहाँ देखिए क्या है, इस फोन में आ रहा है एंड्रॉयड ऑटो इज अवेलेबल ऑन दिस कार, ब्रिंग योर एप्स टू योर स्क्रीन। अब ये अपडेट का ऑप्शन दे रहा है, तो फोन का डेटा ऑलरेडी ऑन ही रहता है, नहीं है तो आप ऑन करके ही लगाइएगा, अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गया, और जैसे ही इधर इंस्टार्ट हुआ इधर देखिए मीडिया डिवाइस नॉट सपोर्ट करके आ रहा है, लेकिन उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है, हमें इसी बात से मतलब है। अभी हम इधर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और यहाँ देखिए ये अपडेट हो करके आ गया है। वापस से कुछ भी नहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा करना है, हम इसे यहाँ से हटाएंगे और वापस से लगा देंगे 2-3 सेकेंड गैप करके। जैसे ही लगाएंगे पहले इधर ये आएगा, और देखिए एंड्रॉयड ऑटो में करेंगे, ठीक है,
एंड्रॉयड ऑटो हैज़ डिसकनेक्टेड, कुछ तो इशू है इस फ़ोन के साथ या फिर यहाँ के साथ। रीडिंग यूएसबी डिवाइस, देखिए बार बार यही चीज आ रहा है, लेकिन किसी अरेंज से ये हिल जा रहा था। एंड्रॉयड ऑटो कैन नॉट कनेक्ट राइट नाउ, व्हेन इट्स सेफ टू डू सो चेक योर एंड्रॉयड फ़ोन। ओके, यहाँ देखिए, वेलकम टू एंड्रॉयड ऑटो, यूज एप्स ऑन योर कार स्क्रीन। कुछ भी हम अलग से सेटिंग नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली सारे ऑप्शंस देता जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, हम इसे नेक्स्ट कर दिया। इसका देखिए, एंड्रॉयड ऑटो वुड लाइक टू टर्न ऑन ब्लूटूथ पेयर एंड सिंक्रोनाइज योर कॉन्टैक्ट विथ योर कार, अलाउ योर कार टू एक्सेस द डिस्प्ले नोटिफिकेशन फ्रॉम योर फोन। सब कुछ को एक्सेस देता जाना है, नेक्स्ट कर दिया। अलाउ मैप्स टू एक्सेस लोकेशन वाइल यूजिंग द ऐप करेंगे, ये आपके सेफ्टी के पर्पज से अच्छा रहेगा। टू कंटिन्यू टर्न ऑन डिवाइस लोकेशन विच यूजेज गूगल लोकेशन सर्विसेस, चलिए ओके करेंगे। कंटिन्यू सेटअप ऑन योर कार स्क्रीन, अब ये कार स्क्रीन पर जाने के लिए बोल रहा है, तो देखिए जैसे ही कार स्क्रीन पर आएंगे लिख दिया वेलकम टू एंड्रॉयड ऑटो, ठीक है। रिक्वायर परमिशन टू एक्सेस कार डेटा, कैलेंडर, कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, माइक्रोफोन, फोन एंड SMS, इवन इफ द फोन इज लॉक्ड। ओके, हर चीज को परमिशन देते जाना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और इसके जस्ट बाद देखिए हमारे को मैप हमारे कार के स्क्रीन पे देखने को मिल गया। सपोज करता हूं मुझे यहां से अभी जाना है गांधी मैदान, तो यहां हम लोग जाएंगे, इसमें देखिए यहां भी आ गया, और यहाँ के साथ साथ टाइपिंग बोर्ड में यहाँ भी आ गया। मैं टाइप कर देता हूँ गांधी मैदान, देखिए जैसे मैंने गांधी टाइप किया नीचे आ गया गांधी मैदान रोड जो भी है समथिंग समथिंग, अभी इसमें मैं कर दिया। ये देखिए हमारे यहाँ से दिखा रहा 4.3 किलोमीटर 11 मिनट की जर्नी, ठीक है। अभी हमारे को सपोज कीजिए कॉल करने के लिए आना है, हमने यहाँ से कॉल वाले बटन पे क्लिक किया। अब ये देखिए जो भी हमारे फेवरेट में, रिसेंट में, कॉन्टैक्ट में जो भी है सब कुछ आ जाएगा। सपोज कीजिए मुझे यहाँ से किसी को कॉल करना है, आपको सपोज कीजिए जो भी ऐप का यूज करना है आप यहाँ पे आइए नॉर्मल, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही इजी वे में हमारा एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो गया है। इस फ़ोन को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो इसे लॉक करके आप बड़े ही आराम से यहाँ पे रख दे सकते हैं, और जो भी अब आपको यूज़ करना है आप यहाँ से, यहाँ पे देखिए टाइम है, आपके फ़ोन की बैटरी भी शो कर रहा है, ठीक है, सेटिंग है, फ़ोन कॉल है, पॉडकास्ट है, मैप है, वॉइस सर्च है, बाकी सारे ऐप को लाने और ले जाने के लिए यहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे रेनॉल्ट में जाते हैं तो रेनॉल्ट का सारा चीज ओपन हो जाता है। मैनुअल जो आपका होम स्क्रीन है वो यहाँ पे क्लिक करने से आ जाता है। एंड्रॉयड ऑटो पे जाना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, एंड्रॉयड ऑटो आपका चालू हो जाएगा जिसमें कि मेनली मैप चलता है। देखिए जिन भी दोस्तों को अगर कोई परेशानी आ रही हो या फिर वो किसी कार में एंड्रॉयड ऑटो इंस्टॉल करना चाहते हो तो हमारे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं वीडियो का कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला हुआ हमने छोड़ा है, और अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं उस पर फास्टर रिस्पॉन्स चाहते हैं कार यार फैमिली टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं भी आपको रिस्पांस करूंगा, और हमारे बहुत सारे कार ओनर्स जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी अगर उनको कुछ नॉलेज होता है तो आपको इंस्टेंटली रिप्लाई कर ही देते हैं। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।